हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किया ये चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप पर मुझे किसका स्टेटस डाउनलोड करना है। और हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना। अगर आप ये वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप सिंपली से आई बटन पर क्लिक कर भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं ये लॉक खोल देता हूँ। और फ्रेंड्स अब इसके बाद मैं जाता हूँ स्टेटस में। अब ये देखिए स्टेटस है, मैंने अभी खुद ही लगाया थोड़ी देर पहले किसी और के फ़ोन से, तब मैं इसके ऊपर देख लेता हूँ। अब मुझे इस स्टेटस को डाउनलोड करना है। मान लीजिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस स्टेटस को पूरा देख लेना है। जब मैं इस स्टेटस को पूरा देख लूँगा और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप में से बैक हो जाना है। इसके बाद मुझे जाना है माई फाइल्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा है माई फाइल्स, मैं माई फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे जाना है इंटरनल स्टोरेज में, मुझे यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है व्हाट्सएप का। ये देखिए ये रहा व्हाट्सएप का ऑप्शन, इसको हमें ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें थ्री ऑप्शन मिलेंगे, बैकअप, डेटाबेसिस, मीडिया। हमें जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद हमें ऊपर थ्री डॉट्स दिखेंगी, थ्री डॉट्स दिखने के बाद हमें इन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें सेटिंग्स में जाना है सबसे लास्ट में, ये देखिए आप देख सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, हमें एक ऑप्शन दिखेगा शो हिडन फाइल्स, ये आप देख सकते हैं। इसे ये हमारा डिसेबल्ड है अभी, आपका अगर ये इनेबल है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये आपका डिसेबल्ड है मेरी तरह, वैसे तो डिसेबल्ड ही होगा, तो आपको इसे इनेबल कर लेना है जैसे मैंने अभी इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद आपको बैक करना है। जैसे ही आप बैक करेंगे आपको सबसे टॉप पर एक ऑप्शन दिख जाएगा डॉट स्टेटसेस, ये आप देख सकते हैं मेरे में भी आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें अभी मुझे सारे स्टेटस शो होने लगेंगे जो मैंने अभी देखे हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए मुझे किसका स्टेटस डाउनलोड करना है, मान लीजिए अभी मुझे ये स्टेटस डाउनलोड करना है, यही मैंने अभी देखा था। अब मुझे इसे डाउनलोड करने के लिए ये आप देख सकते हैं प्ले हो रहा है बड़े आराम से यहाँ से। अब मुझे सिंपली से बैक करना है और इसके बाद इस स्टेटस पे मतलब दबाए रखना है, और इसके बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके इस स्टेटस को मैं मूव करना है या कॉपी करना है, जो आप करना चाहें। चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे जाना है इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज में मैं इसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं इसे किसी भी फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ, या फिर मैं इसे डायरेक्टली यहीं पर भी पेस्ट कर देता हूँ। डन, अब ये मेरा पेस्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे पेस्ट हो चुका है। अब आप मैं आपको वीडियोस में जाकर इसे प्ले करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं चला जाता हूँ अपने वीडियोस में। वीडियोस में जाने के बाद मुझे सबसे टॉप पर ऑप्शन दिख जाएगा जो कि मैंने अभी डाउनलोड करा था स्टेटस, ये देखिए आप चल रहा है फ्रेंड्स। मैं इसे पूरा प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स है ना कमाल की ट्रिक, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स। मैं मिलता हूँ आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स। मैं मिलता हूँ आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।